अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका हमारे एसईओ कोर्स के लेक्चर 6 में। तो जो लोग इस कोर्स को बिगनिंग से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि हमने स्टार्ट के सेशंस में एसईओ की बेसिक्स को डिस्कस किया है और कीवर्ड्स रैंकिंग कुछ गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स को डिस्कस किया था और कीवर्ड्स के टाइप को डिस्कस किया और कीवर्ड्स रिसर्च आप स्टार्ट किस तरह से कर सकते हैं बिल्कुल अगर आप बिगनर हैं तो उसको डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में और इस लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के मैट्रिसेस को डिस्कस करने वाले हैं और टूल्स को यूज़ करके किस तरह से आप लोग कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में इस लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे। तो इस कोर्स के इस 6 लेक्चर के लिए काफ़ी डिले बीच में आया है जिसका फॉर सम रीजन, तो उसको हमें कवर करना है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आगे से इतना लंबा डिले ना आए और जल्द से जल्द हम इस कोर्स को कम्प्लीट करें ताकि आप लोग प्रैक्टिकली स्पीड में आ सकें। मैं हूं मोहम्मद एहसान अली और वेलकम है आपका एहसान एक्सपर्टीज चैनल पर। फर्स्ट टाइम अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग चाहें तो, और इसके अलावा जिन्होंने प्रीवियस सेशंस को मिस किया है तो सब सेशंस के सब लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से फॉलो कर सकेंगे। और मैं मैट्रिसेस का जिक्र जो आज करूँगा वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसलिए नहीं किया ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाए। तो लेट सपोज अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तो जो मैंने आपको मेथड बताया था गूगल गूगल के जरिए कीवर्ड रिसर्च करने का, तो उसमें सिर्फ जो हम शीट अगर आप उस मेथड से अगर आप शीट बनाएंगे तो वो इनफ नहीं होगा, आपको काफ़ी डिफरेंट डेटा भी प्रोवाइड करना होता है सिर्फ कीवर्ड्स के अलावा। अच्छा मैं आपको एक बात यहाँ बताऊँ कि हम इस जो मैट्रिसेस को समझने के लिए हम आज टूल्स को यूज़ करने वाले हैं। तो एसईओ के टूल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, आप लोग चाहें तो नोट कर लें, इसमें पेड भी हैं और फ्री भी हैं। ठीक है, अब पेड टूल्स जो आप समझ सकते हैं और जो पेड टूल्स में उस फीचर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन डोंट वरी मैं इसमें आपको स्टार्ट तो पेड टूल से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग सही से मैट्रिक्स को समझ सकें, लेकिन जो मैं मेथड इस पेड टूल के जरिए करूँगा वो आप लोग फ्री में भी कर सकते हो। वो डिफरेंट टूल्स हैं जैसे कि हम इस वीडियो में जो पेड टूल को यूज़ कर रहे हैं वो एसईएमरश का, अगर आप थोड़ी बहुत एसईओ की नो हाउ रखते हैं तो आपने एक नाम सुना होगा एसईएमरश है, उसके बाद आता है एचरेफ्स, एसईएमरश, उसके अलावा डिफरेंट टूल्स भी हैं एसईओ पावर सूट और भी डिफरेंट टूल्स हैं, राइट। तो ये मैंने आप लोगों को नेम इसलिए बताए हैं ताकि आप लोग गूगल पे आके सर्च भी करें बाद में लेक्चर के बाद, ताकि आप लोग फिर सर्च करके आप मदद के बारे में इंफॉर्मेशन भी गेन कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस फ्री टूल फ्री मेथड के जरिए ही करनी जो आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि ये टूल काफ़ी एक्सपेंसिव है और न्यू बी के लिए इस टूल को अफोर्ड करना इजी नहीं है। तो हम यहाँ पे किसी कीवर्ड को टाइप करते हैं, जैसे कि अब कोई भी आपका कीवर्ड हो सकता है जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस है। लेट सपोज हम यहाँ पे टाइप करते हैं, ये कीवर्ड है सही हमारा। अब देखें ये जो मैंने कीवर्ड टाइप किया है अभी कुछ भी हो सकता है, अब इसमें क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक सिटी को टारगेट कर रहा हूँ से बिलोंग कर रहा है तो मुझे कनाडा के ही रिजल्ट चाहिए। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे मैं इस कीवर्ड को टाइप करूँ और यूएस को सेलेक्ट करूँ यहाँ से और यूएस के रिजल्ट दूँ, जाहिर सी बात है मुझे स्पेसिफिक और रेलेवेंट सिटी रेलेवेंट कंट्री सेलेक्ट करना है, रेलेवेंट कंट्री हमें सेलेक्ट करना है जैसे कि हमने यहाँ से कनाडा सेलेक्ट किया है। अब मैं करूँगा यहाँ पे सर्च पे क्लिक, राइट। अब जैसे ही हमने इस कीवर्ड को सर्च किया है तो हमें यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस और कुछ एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना हमारे लिए वो है इस स्पेसिफिक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो गूगल सजेस्ट जो हमें कीवर्ड्स करता है वो जस्ट कीवर्ड्स होते हैं, हमें उससे ये पता नहीं चलता कि उसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं। हाँ ये गूगल बताता है, गूगल ये आपको सजेस्ट करता इसलिए है कि उसको ऑलरेडी लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग सर्च कर रहे हैं उसका आइडिया आपको कैसे लगाना है, उसका आइडिया लगाने के लिए आपको टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। सर्च वॉल्यूम से आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको इस कीवर्ड पे वर्क करना है या नहीं, ठीक है। अब सर्च वॉल्यूम जैसे कि देख सकते हैं इसमें यहाँ लिखा है 2.9K और ये सर्च वॉल्यूम कनाडा के हवाले से बताया है इसने, ठीक है। ओवरऑल ग्लोबली अगर देखा जाए कि ग्लोबली सर्च वॉल्यूम इसका 3.6K है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कीवर्ड को टाइप कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने कंट्री सेलेक्ट किया है यहाँ से कनाडा, तो मैंने कंट्री यहाँ से सेलेक्ट किया है। तो आप लोग अगर अपने किसी आर्टिकल के लिए सर्च कर रहे हैं कीवर्ड्स को और आपको जो है पूरे यूएस को टारगेट करना है तो डेफिनेटली आपको यूएस के अराउंड जो सर्च वॉल्यूम है वही आपको चेक करना है। जनरली यूएस के अराउंड कीवर्ड्स जो है ना रिसर्च का वहाँ से पता चलता है सर्च वॉल्यूम जो गूगल सर्च वॉल्यूम जो हमें पता चला है, तो ये
100% एग्जैक्ट नहीं है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये जो भी टूल आपको सर्च वॉल्यूम बताता है वो 100% एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होता। हाँ ये है कि आपको इससे थोड़ा आइडिया मिल जाता है, तो क्योंकि ये एक कमर्शियल कीवर्ड है, क्योंकि देखें अब ये कार डिटेलिंग जो है ना ये एक सर्विस है, अब सर्विस कोई बिजनेस ऑफर करेगा डेफिनेटली, तो इसलिए इस वजह से ये हमें इसकी इंटेंट कमर्शियल है, क्योंकि कमर्शियल कीवर्ड हुआ ना, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी इस कीवर्ड को टाइप करेगा उसका पर्पज़ होगा कि उसको ये सर्विस है, यानी कमर्शियल पर्पज़ होगा उसका, तो इसलिए आप देख सकते हो इसका इंटेंट जो है कमर्शियल आ रहा है। अब देखें क्योंकि इस टूल ने, ये पेड टूल है ऑब्वियसली, तो इसने जो है आपको इंटेंशन बता दिया कि इंटेंशन इसकी क्या है, तो इंटेंशन का तरीका जैसा आपको मैंने बताया था कि आप लोग किस तरह से आइडिया लगाएंगे वो तो ठीक है, वो जनरल वे आपने उसके ज़रिए देखना ही है, लेकिन ये टूल ने अब आपको बता दिया कि इस कीवर्ड का, स्पेसिफिक कीवर्ड का जो है, स्पेसिफिक कीवर्ड की इंटेंशन क्या है, तो कमर्शियल है। अगर इसका CPC से डॉलर्स में शो हो रहा है 0.87 सेंट्स, तो अगर ये कुछ ना कुछ यानी कि बिल्कुल ज़ीरो नहीं है, तो कुछ ना कुछ यानी कि $1 के अराउंड आ रहा है ना, यानी ये कुछ ना कुछ अमाउंट शो कर रहा है यहाँ पर, इसका रीज़न ये कि लोग इस कीवर्ड पर बिड कर रहे हैं। बिड कर रहे हैं मीन्स के अब जब यानी कि इस पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि इस कीवर्ड पे वो अपनी अपनी लिस्टिंग को, अपनी वेबसाइट को टॉप पे ला सकें। अब ये क्योंकि पेड एड्स हो रहे हैं, अब ये CPC इतना होने का मतलब, अगर CPC देखें, CPC बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब ये कि लोग ज़्यादा बिड कर रहे हैं, ज़्यादा बिड कर रहे हैं मीन्स कि ये कीवर्ड हाईली कन्वर्टेबल है, लोग अगर इस पे रैंक कर जाएं तो उनको रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं। आप लोगों को यानी ये टूल ने ये बताया है कि इस स्पेसिफिक कीवर्ड पर रैंक करना कितना डिफिकल्ट है, कितने परसेंट। अब देखें ये क्योंकि 41 इसने बताया है, 41 मीन्स कि इस पे रैंक करना इतना ईजी नहीं है, आपको थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब रैंक करने के लिए स्ट्रेटजीज क्या बनाएंगे वो तो फिर जब आगे चलेंगे तो वो समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इस तरफ समझने की, इस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अभी के लिए आपको सिर्फ ये देखना है भाई, आपको अभी समझना ये कि इसके मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो कीवर्ड डिफिकल्टी ये होगी कि आपको पॉसिबिलिटीज़ कितनी है इस कीवर्ड पर रैंक करने की। अब ये जितना हाई नंबर होता जाएगा उतना ही समझे कीवर्ड डिफिकल्ट है, राइट। तो और भी काफ़ी डिफरेंट जो है ना चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन अब देखें ये फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्च वॉल्यूम एक्यूरेट नहीं होता टूल्स में जैसे बताया जाता है, तो इसी तरह से कीवर्ड डिफिकल्टी जो बताई गई वो भी 100, इस पर आप बिल्कुल यानी कि ब्लाइंडली रिलाई नहीं कर सकते। आपके भाई इतना आप देखें कोई क्वेरी आप देखें भाई तो इस पर तो रैंक करना बहुत मुश्किल होगा, आप उसको छोड़ दें, ठीक है। वो आगे चल के आप लोग ये चीज़ समझ जाएंगे, जब आप खुद प्रैक्टिकली जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आप ये चीज़ें अच्छे से मजीद क्लियर होंगी। अभी आपको ये बात अच्छा समझना है, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिकली इस फील्ड में आएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आने लगेंगी कि कीवर्ड डिफिकल्टी का क्या सीन है, क्योंकि कीवर्ड डिफिकल्टी का जो आइडिया है ना वो टूल ने तो बताया, लेकिन वो आपको अपने जो टॉप के जो रिजल्ट्स होंगे ना, जैसे अब ये क्वेरी है इसको मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे लैपटॉप में टाइप किया, अब आपको इस पूरे जो रिजल्ट टॉप पे जो वेबसाइट्स नज़र आ रही है ना, इस इन इन सब रिजल्ट्स को देख के ही आपको आइडिया हो सकता है कि इस कीवर्ड पे रैंक करना कितना ईजी से कितना हार्ड है। तो सर्च वॉल्यूम, उसकी इंटेंट और डिफ़िकल्टी और CPC, ये उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको अगर इस हवाले से कोई से भी कन्फ्यूजन, तो आपको इन मैट्रिक्स के हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप यकीनन मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा यकीनन, तो आप वहाँ पे जाके, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी एक्सपर्ट मौजूद हैं, आपको टूल ने खुद सजेस्ट कर दिया है। अब टूल ने आप इस टूल ने आपको क्वेश्चन भी सजेस्ट कर दिए हैं कि ये क्वेश्चन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप अपने उस सर्विस पेज पर, उस वेबसाइट में, उस आर्टिकल में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर रिलेटेड, मोर रिलेटेड कीवर्ड्स को भी इसने बताया, लेकिन ये तो वेरिएशन हो गए। उसके बाद जो ना ये जो रेलेवेंट रिलेटेड कीवर्ड्स जो है ना वो इसके रेलेवेंट, जैसे इन थीम जो उसने बताया हमें, वो हमारे मेन कीवर्ड की काफ़ी रेलेवेंट है, एग्जैक्ट सेम नहीं है लेकिन रेलेवेंट है। इसको भी हम यानी कि इसको हम टारगेट कर सकते हैं उसी उसी पेज पर, उसी सर्विस पेज पर या उसी आर्टिकल पर, ठीक है। तो आपको अब देखें इसने जो ना मजीद बताए हैं, अब देखें जैसे एक क्वेरी है, अब जैसे कीवर्ड है, अब मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे सजेशन मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये लिमिटेड है, काफ़ी लिमिटेड है तो ये काफ़ी कम सजेशन आपको नज़र आ रही है। बाकी आपको अगर मजीद सजेशन चाहिए तो आपको जैसे मैंने बताया था कि आपको अल्फ़ाबेट्स ट्राई करने होंगे यहाँ पर, लेकिन इस टूल ने हमें क्या किया, इस टूल ने हमें काफ़ी रिलेटेड कीवर्ड्स बता दी हैं, जैसे कि ऑल 704 कीवर्ड, तो आपको एक पूरी बड़ी लिस्ट नज़र आएगी। ये देखें अब इनको आप फिल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बता रहे हैं आपको, देखें क्या आपको
इस कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए तो क्वेश्चंस को टिक मार कर लें आप। ब्रॉड मैच चाहिए, फ्रेज मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच, देखें एग्जैक्ट मैच फ्रेज मैच को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपनी अपने प्रीवियस सेशंस में, तो आप लोग वो वीडियोस भी देखना अगर आपने नहीं देखी तो। ऑलराइट, अब देखिए ये सारे रेलेवेंट सभी सारे रिलेटेड कीवर्ड्स की लिस्ट आपको मिल गई है, इनको आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, आप देख सकते हो कितने सारे आपको यहाँ पे जो है हमें आइडियाज मिल गए हैं ये टूल के जरिए पता चला है। तो आगे ये कीवर्ड लिखा है यहाँ, उसके बाद इंटेंशन उसकी, फिर जो है, अच्छा ये वही बता रहे हैं कि कितना रेलेवेंट है हमारे मेन क्वेरी के लिए, तो कितनी आपकी यहाँ से हेल्प हो रही है। फिर सर्च क्वेरी डेफिनेटली हमारा जो मेन, हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट जिस मैट्रिक्स पे हमने फोकस करना है वो होगा हमारा सर्च वॉल्यूम। ऑलराइट, ये उसके आगे बताई गई है और सीपीसी भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब ये देखें इस टूल ने, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ कीवर्ड रिसर्च का ही बताया है, इस टूल के और भी डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं जो कि आप कर सकते हैं, जैसे आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। लेकिन अभी मैं अगर इन सब पे जाऊंगा तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, कि अभी आप लोग उस तरफ नहीं पहुंचे। तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बैकिंग पर जाएंगे, वेबसाइट ऑडिट पर जाएंगे, तो डेफिनेटली फिर हम इन चीज़ों को भी देखने वाले हैं। तो एड टूल के जरिए सर्च वॉल्यूम फाइंड किया है, तो आप लोग क्या करें, तो आप लोग यहाँ पे परेशान ना हो, ठीक है, मैं आपको इसका ऑल्टरनेट बताता हूँ। राइट, तो आपने जाना है गूगल के कीवर्ड प्लानर को, जो कि बहुत ही फेमस टूल कह लें इसको आप, ठीक है, गूगल का अपना है और फ्री है। इसमें आपको साइन इन करना है अपनी ईमेल आईडी से। फर्स्ट फर्स्ट रिजल्ट को क्लिक करेंगे तो आपको अपने ईमेल के जरिए यहाँ पे साइन इन करना होगा, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे इस जब आप इस इंटरफेस पर, जब आप इस डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आएंगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग जो है ना सर्च वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। इसी कीवर्ड को, खाड़ी डिटेलिंग कैटेगरी को ही हम लेते हैं, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं जाऊँगा यहाँ गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट पे। अब मुझे क्योंकि सर्च वॉल्यूम चाहिए तो मैं यहाँ पे स्पेस कर दूंगा इस कीवर्ड को। अब देखें मैंने सिर्फ यहाँ पे एक कीवर्ड को एंटर किया है, आप लोग चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, अब देखें आप लोग यहाँ पे हो सकता है कन्फ्यूज हो रहे हों कि मैंने जो इस क्वेरी को जब एस एम एस के जरिए फाइंड किया था तो इसने सर्च वॉल्यूम हमें 2.9K बताया था, अराउंड 3K बताया था हमें सर्च वॉल्यूम इसका। लेकिन यहाँ पे क्या शो हो रहा है, 10 to 100 एवरेज मंथली सर्चेस। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ यहाँ हमने जो है ना ये जो, क्योंकि ये क्वेरी स्पेसिफिक जो कीवर्ड है ये कनाडा के अंदर ही जो है ना वो सर्च किया जाता है, इधर से इससे बाहर नहीं सर्च किया जाता। और मैंने जो सर्च वॉल्यूम फाइंड किया है कनाडा के जरिए, कनाडा के अराउंड ही किया है। अब ये देखें यहाँ पे क्योंकि कंट्री आप देखें सेलेक्ट हुआ पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा है, तो आपको क्या करना है यहाँ से, इसको भी ख्याल रखना है कि जिस कंट्री के लिए आप कीवर्ड फाइंड कर रहे हैं, जिस कंट्री को आपने टारगेट करना है उसके हवाले से ही आपको जो है अपना कंट्री सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सेव क्लिक कर दें। अब देखें जैसे मैंने यहाँ से कनाडा को सेलेक्ट किया तो अब इसका सर्च वॉल्यूम जो है ना वो चेंज हो गया। अब देखें इसने सर्च वॉल्यूम, क्योंकि ये जो गूगल कीवर्ड प्लानर जो है ये आपको इस तरह से बताता है आपको रिजल्ट, यानी कि 1K to 10K, यानी इसके अराउंड या इसके अंदर आपको जो है ना इसका सर्च वॉल्यूम मिलेगा, एवरेज मंथली सर्चेज बताएगा। ये एक आइडिया इसने दिया है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। लेकिन आप खुद देखें कि अगर मैं इस टूल को देखूँ जो कि पेड टूल है, काफ़ी ये टूल काफ़ी एक्सपेंसिव है। अब देखें इसमें इसने जो 2.9 की हमें सर्च वॉल्यूम बताया ये बिल्कुल सही इधर फिट हो रहा है, अगर यहाँ से देखें तो, यानी कि ये मिनिमम इसके 1K सर्च वॉल्यूम तो है, वो इससे ज़्यादा ही है डेफिनेटली, तो इसलिए इसको हम 3K अज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो कॉम्पिटिशन लो बता रहा है ये, कॉम्पिटिशन लो इसने इस वजह से बताया है एड्स के हवाले से कि लोग इस पर एड शायद ज़्यादा रन ना कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ का रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो हमारे केस में क्योंकि लोग कम रन कर रहे हैं ऐड इस कीवर्ड पर, तो इसलिए कॉम्पिटिशन इसने वो बताया, ठीक है, यानी आपको यहाँ से आइडिया हो गया। अब देखें यहाँ से आपको लेकिन इंटेंशन पता नहीं चल रही है, ठीक है, फ्री टूल में इंटेंशन आपको ऐसे पता नहीं चलेगी। इंटेंशन पता करने के लिए आपको मैंने जो, क्योंकि ऑलरेडी तो हमारे साथ लेक्चर भी है, इसी कोर्स में लेक्चर है, तो आप लोग वहाँ से वो समझ तो यकीन गए थे, तो यहाँ से आप लोग वो लेक्चर को दोबारा देखें और फिर जो भी कीवर्ड आप फाइंड करें उसके इंटेंशन को आप वहाँ से देख सकते हैं, कमर्शियल है या फिर इंफॉर्मेशनल है। और राइट, वो आपको मैं रिकमेंड भी ये करूँ कि आप लोग इनिशियली बिल्कुल बिगिनिंग में आप लोग इसी टूल को यूज़ करेंगे कीवर्ड प्लानर को सर्च वॉल्यूम के लिए। उसके बाद और मैं अगर इसको इजी कर दूं तो उसके बाद फिर आता है एक क्या एक्सटेंशन, एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसका नाम है व्हाट माई सर्च, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कर्सर लेके गया हूँ मैं, व्हाट माई सर्च। अब
इसको आप लोगों ने इंस्टॉल करना है अपने क्रोम ब्राउजर पर। अब ये तो आप बहुत सिंपल वर्क है, तो आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं क्रोम एक्सटेंशन को। फिर मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, और उसके साथ साथ इसको इन वर्ड्स को आप गूगल पर सर्च करके देख लें, ईजिली आपको वहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन ईजिली मिल जाएगा। अब देखें ये आपको किस तरह से बता रहा है रिजल्ट, व्हाट मेथड से क्या होगा। देखें देखें मैं इस कीवर्ड को यहाँ पे सर्च करता हूँ। अभी देखें मैंने क्योंकि यहाँ पे व्हाट माई सर्प को इस एक्सटेंशन को मैंने इंस्टॉल किया है, तो इसने यहाँ पे देखें जैसे ही मैं कीवर्ड को टाइप करूँगा तो आपको फ़ायदा क्या हो? तो जैसे मैं कीवर्ड को टाइप करूँगा यहाँ तो मुझे इसके ही बराबर में बिल्कुल, तो मुझे आप देख सकते हैं कि कीवर्ड इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम नज़र आ रहा है 50, और यहाँ पे CPC डॉलर का मतलब है CPC। CPC के बारे में आपको मैंने जिक्र किया था पहले। अब देखें ये 50 यहाँ पे शो कर रहा है US के अंदर, हमें US के नहीं, हमें तो कनाडा के चाहिए। तो फिर मैं इसको क्या करूँगा, इसको भी यहाँ से चेंज करूँगा क्योंकि ये सिलेक्ट हुआ हुआ US, तो हम जाएंगे इधर कनाडा को सिलेक्ट कर लूँगा। ऑलराइट अब देखें, अब मुझे सर्च वॉल्यूम आपको बताया इसमें। अब इसका सर्च वॉल्यूम अगर आप देखें तो 4400 बता रहा है। ये भी मतलब जो हमने, यानी कि इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि इसको आप एवरेज ऐसा निकालें कि 4400 इसने बताया है, और जो एस एम रश ने बताया था वो अराउंड 3 के था, और जो गूगल ने बताया था वो 1K to 10K बताया था। यानी जो सब सर्च वॉल्यूम है, यानी ये सारे जो सर्च वॉल्यूम हमें जो पता चले हैं वो कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, तो इनको हम कंसिडर, तो इनको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं आइडिया के लिए। ऑलराइट, तो ये बिल्कुल देखें ये एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री है, ये एक्सटेंशन फ्री है, फ्री में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं व्हाट मेथड को। इससे आपको टाइम बचेगा, सिंपल कीवर्ड डालें और आपको यहाँ पे सर्च वॉल्यूम नज़र, देखें CPC भी नज़र आ रहा है यहाँ पे इसका कितने डॉलर पे। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे इसी एक्सटेंशन ने व्हाट मेथड में आपको कुछ सजेशन भी दिए हैं, कीवर्ड्स रिलेटेड रिलेटेड कीवर्ड्स भी बताए हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं। तो उनका सर्च वॉल्यूम जैसे कार वॉश कैलगरी का जो आप इसने सर्च वॉल्यूम और CPC साथ बताया है, और मजीद भी बताए हैं, ठीक है, जो आपको आपको जो रेलेवेंट लगे तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ कीवर्ड्स को फाइंड करना सीख रहे हैं, लेकिन जब कीवर्ड्स पे जब वर्क करेंगे उनको रैंक करने के लिए, तो फिर कंपटीशन के वाले से जो हम बातें समझेंगे फिर उसको आप उस वक्त आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं कि जो, अब देखें ये तो आपने देख लिया कि आप, ये तो हम क्योंकि आपके सामने कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है तो इसलिए हम लोग अपने हिसाब से कोई खुद ही एज्यूम करके कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। अब लेट सपोज आपके पास कोई बिजनेस आता है, अब हम चलें इसकी भी टाइप लेते हैं, कोई बिजनेस है जो कि, अब लेट सपोज कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है और उसको आप उसको आप उसके लिए आपने कीवर्ड सर्च करनी है, तो सबसे पहले आपने उसके बिजनेस को देखना है, उसकी सर्विसेज को देखना है, सर्विसेज के अराउंड ही आपको कीवर्ड सर्च करनी है उसकी, ठीक है। अब क्योंकि देखिए मैंने सर्च वॉल्यूम की बात की है, तो ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा बिजनेस मिले जिसकी आप सर्विसेज देखो, उन सर्विसेज के अराउंड जब आप जाओ रिसर्च करने के लिए तो आपको शायद सर्च वॉल्यूम बहुत ही कम नज़र आए। तो उस सूरत में ये नहीं कि सर्च वॉल्यूम कम नज़र आ रहा है, अब ये नहीं कि आप जब देखो कि सर्च वॉल्यूम कम है तो आप उसको इग्नोर कर दो, आपने इग्नोर नहीं करना, इग्नोर इसलिए नहीं करना क्योंकि आपको इन अपने क्लाइंट की जो बिजनेस की सर्विसेज के अराउंड रहकर ही रिसर्च करनी है। अब ये भी हो सकता है कि आपका जो क्लाइंट का बिजनेस है वो उसको लिमिटेड लोग ही सर्च करते हों, तो लेकिन आपको क्या है कि आप उन सब कीवर्ड्स पर जो लोग जितने भी लोग सर्च करें चाहे कम है या ज़्यादा अपने क्लाइंट के बिजनेस को रैंक करवाएं। तो मिल ये हमारे एक कोई क्लाइंट है फ्लैट फिफ्टीज, ठीक है। अब इनकी सर्विसेज क्या हैं, ट्रेडमिल, बेल्ट, वॉशर एंड ड्रायर रिपेयर, इक्विपमेंट सर्विस और ओवन रिपेयर, स्टफ लाइक दिस, ठीक है। अब मैं कोई एक सर्विस इनकी पिक करता हूँ जैसे कि जिम रिपेयर, ठीक है। अब जिम रिपेयर तो मैंने देखी इनकी सर्विस है ये, लेकिन अब देखें ये नहीं कीवर्ड आप डायरेक्ट जाकर सर्च करें जिम रिपेयर, ये आपने सर्च ऐसे नहीं करना, आपने देखना है कि भाई इसका आपके क्लाइंट का जो टारगेटेड एरिया है वो क्या है। अब मैं देखता हूँ, आई थिंक ये जो हमारा ये जो क्लाइंट है, ये जो वेबसाइट जिस बंदे की है उसका टारगेटेड एरिया जो है वो दुबई है, कि दुबई बेस्ड ही ये वेबसाइट है। अब देख सकते हो फाइंडर्स में से लिखा है ना, पे जुमेरा आइलैंड, पाम जुमेरा, सब तो दुबई के अंदर है, तो बिजनेस बे और दुबई मरीना। तो कीवर्ड क्या बनेगा, जिम रिपेयर, इसकी जिम रिपेयर सर्विस होगी इसकी सही, जिम रिपेयर और दुबई, इसका पूरा रिपेयर दुबई, इस कीवर्ड को देखना है। टाइप करते हैं जिम रिपेयर दुबई, ठीक है। अब देखें इसमें फिर आपको वही, जैसे कि हमने अगर यहाँ पे दुबई या UAE, आपको कनाडा में तो ज़्यादा जीरो है क्योंकि लोग इसको सर्च ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ तो कोई सर्च नहीं कर रहा है इसको, फिर हमने दुबई यूज़ जो कर लिया है, तो इसलिए आपको फिर
यहाँ से अपना स्पेसिफिक कंट्री सिलेक्ट करना होगा, जो कि आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मैं आपको व्हाट मैं सबका बता रहा हूँ, यही चीज़ आपने यहाँ पर भी करनी है, एरिया को सिलेक्ट करना है, उसके अराउंड फिर आपने सर्च वॉल्यूम सब चीज़ें देखनी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो बहुत इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो डिस्कस करूँगा वो आपसे एक ऐसा मेथड डिस्कस करने वाला हूँ जिससे भी आप लोग बहुत ईजिली बल्क में कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, बल्क में। और जो मेरा पर्सनल मेथड भी है, ठीक है, लेकिन अभी आपको जो मैंने मेथड्स बताए हैं टूल के जरिए बताए, फ्री टूल के जरिए, आपने उनके थ्रू जो आपको मैंने असाइनमेंट दी है वो आपने कंप्लीट करनी है, कीवर्ड फाइंड करना है, ठीक है, कि आपने आपने 10+ कीवर्ड्स, आपने 10 या एटलीस्ट 10 कीवर्ड आपने फाइंड करने हैं जिनका सर्च वॉल्यूम भी आपने वहाँ पे मेंशन करना है। असाइनमेंट का पर्पज़ ये है कि आप लोगों को सर्च वॉल्यूम फाइंड करने का आइडिया हो सके। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और मजीद आगे आने जो आने वाले लेक्चर हैं उनको फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।